हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले ऑलरेडी पहला लेक्चर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी सिर्फ हम बेसिक्स के बारे में जान रहे हैं, अभी तक हमने टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। पहले वाले लेक्चर में, इससे पहले जो हमने किया है, उसमें हमने देखा था कि गवर्नमेंट का सिस्टम देखा था, पहले गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा था। फिर हमने फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में जाना, उसके बाद हमने देखा ग्लोरियस रिवोल्यूशन, नेपोलियन के बारे में देखा, ठीक है। फिर हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था, वियना कांग्रेस जो 1815 में हुई थी, जिसमें डिसाइड किया गया था कि पहले से पहले जो मोनार्की वाला सिस्टम था उसको दोबारा से क्या कर देते हैं, रीइस्टेब्लिश कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अभी भी हम थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें और जान लेते हैं, हालांकि आगे हेल्प करेंगी, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अभी हम क्या जानते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो पहले दो तीन चीज़ें और देख लेंगे हम, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, फिर यूनिफिकेशन ऑफ इटली, उसके बाद ये जस्ट अभी इंट्रो लेंगे, हालांकि इसका एक सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का तो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, फिर भी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। एक बार ओवरव्यू लेंगे हम इटली का, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं बिस्मार्क, प्ले करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यूनिफिकेशन ऑफ इटली, इस पर ऑलरेडी लेक्चर अपलोड हो चुका है, यू कैन वॉच इट। और यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में ये मेन इवेंट्स हैं, 1861 में जो प्रशिया है, प्रशिया मैंने मैप में दिखाया था लास्ट वाले लेक्चर में, जो प्रशिया है उसका किंग बन जाता है कौन, विलियम कैसर, ये यहाँ के रूलर बन जाते हैं। 1862 में ये बिस्मार्क को अपना चांसलर अपॉइंट कर देते हैं। 1864 में प्रशिया और डेनमार्क के बीच में लड़ाई होती है, फिर 1866 में प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें प्रशिया जीत जाता है, यहाँ भी प्रशिया जीत जाता है। फिर 1866 में ये सेम चीज़ रिपीट हो गई है, ठीक है। 1870 में अगेन प्रशिया और फ्रांस का वॉर होता है, जिसमें प्रशिया जीत जाता है, फ्रांस हार जाता है। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो किसकी हैं, जर्मन यूनिफिकेशन की। जर्मन यूनिफिकेशन की तो मेन मेन चीज़ें देखें तो यही है स्टेप्स। 1862 में बिस्मार्क चांसलर बनता है, और ये तीन वॉर मैंने अभी बताए थे। 1864 में प्रशिया डेनमार्क का वार होता है, 1866 में ऑस्ट्रिया प्रशिया का वार होता है, और 1870 में प्रशिया फ्रांस का वार होता है, जिसमें और प्रशिया जीतता है हर बार, ठीक है। और प्रशिया ही यूनिफाई करता है किसको, जर्मनी को। हर वॉर के बाद इन पर एक ट्रीटी होती है, 1865 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ बास्टीन, 1866 में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ प्रेग, एंड 1871 में ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। ये जर्मन यूनिफिकेशन के मेन इवेंट्स हैं, ठीक है। इटली का यूनिफिकेशन देखें तो इटली के यूनिफिकेशन में ये तीन व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, एक तो है मेजनी, दूसरा है गरिबाल्डी, और तीसरा है काउंट गेबर, ठीक है। ये तीनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसका भी एक लेक्चर सेपरेटली मैं अपलोड करूंगा। अभी इसको टॉपिक को ख़त्म कर देते हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आने वाले दिनों में इटली का यूनिफिकेशन पर भी आपको एक लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो इटली के यूनिफिकेशन में ये मेन लीडर है काउंट गेबर, इनको ब्रेन बोला जाता है यूनिफिकेशन का, और गरिबाल्डी इनको बोला जाता है स्वॉर्ड, और जो मेजनी उनको बोला जाता है हर्ट। और यहाँ के इटली के जो किंग है वो हैं विक्टर एमैनुअल सेकंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या इवेंट होती हैं, 1852 में काउंट केबर ये बन जाते हैं पीएम ऑफ सार्डिनिया, और 1859 में वॉर होता है पिडमोंट सार्डिनिया एंड ऑस्ट्रिया के बीच में, फिर 1860 में मर्जर हो जाता है इटली के जो सेंट्रल स्टेट है, मोडेना परमा टस्कनी, और 1860 में नेपल्स और सिसिली इसको गरिबाल्डी मिला देता है इटली में, और 1861 में क्या होता है, एमैनुअल विक्टर ये यहाँ के एम्परर बन जाते हैं, और 1866 में वॉर होता है प्रशिया और ऑस्ट्रिया का, जिसमें इटली सपोर्ट करता है किसको, प्रशिया को, और फाइनली जो वेनिस शहर है वो मिल जाता है इटली में, ठीक है। और 1871 में आपको बताइए फ्रेंको प्रशियन, मतलब फ्रांस और प्रशिया का वॉर होता है, इस समय इटली फ़ायदा उठाता है इस सिचुएशन का, और रोम भी इटली का पार्ट बन जाता है। तो ये कुछ मेन इवेंट्स हैं, डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यूनिफिकेशन में 1851 में लोम्बार्डी मिल जाता है इनको, परमा मोडेना टस्कनी 1860 में मिल जाते हैं इटली को, नेपल्स और सिसली भी 1860 में मिल जाते हैं, वेनिस 1866 में मिलता है, और फाइनली रोम 1871 में मिल जाता है, और 1870 में इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। तो हमने सारी चीज़ें एक बार देख ली हैं, अब हम देखते हैं नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म की सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, नेशनलिज्म इज द फीलिंग ऑफ लव, डिवोशन एंड सेक्रीफाइस फॉर द नेशन, मतलब
लव, डिवोशन एंड सेक्रीफाइस, अपने देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के अपने देश के लिए लव, डिवोशन, समर्पण, डिवोशन डिवोशन मतलब समर्पण, सेक्रीफाइस बलिदान देने की फीलिंग जो होती है उसी को हम बोलते हैं नेशनलिज्म, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो अपने देश के प्रति प्यार, अपने देश के प्रति समर्पण की भावना, अपने देश के प्रति बलिदान देने की भावना, यही चीज़ क्या कहलाती है, नेशनलिज्म कहलाती है। तो कई बार एक नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म। अच्छा, तो नेशनलिज्म का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम इन 1789। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी। तो पहली जो नेशनलिज्म की एक्सप्रेशन है वो सबसे पहले देखी जाती है 1789 में आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यूरोप में नेशनलिज्म स्प्रेड करने में, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान ही क्या किया गया था, जो फ्रांस का जो एम्परर था या फ्रांस का जो मोनार्की वाला सिस्टम था उसको ख़त्म कर दिया और डेमोक्रेसी की शुरुआत होती है, या फिर थोड़ा सा आप रिपब्लिक कंट्री की शुरुआत होती है। ठीक है, अच्छा, फिर मिड 18th सेंचुरी में, अब यहाँ पे थोड़ी कंडीशन बता गई, ये जो मैं नोट्स लिखा रहा हूँ या यहाँ पे ये नोट्स बता रखे हैं, ये बुक के हैं, ठीक है, क्लास 10th के लिए स्पेशली हेल्प करेंगे। तो इन मिड 18th सेंचुरी यूरोप वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स लाइक स्टेट्स, डचेज, कैंटोन्स, रॉयल्टी। तो यूरोप क्या था 18th सेंचुरी के समथिंग, मिड 18th सेंचुरी का मतलब है लगभग 1750 के समय की बात कर रहे हैं। तो यूरोप कई सारी चीज़ों में डिवाइडेड था, जैसे हमारे इंडिया में स्टेट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होते हैं, टाउन्स होते हैं, ऐसे ही वहाँ पर स्टेट्स, डचेस, कैंटोन्स, रॉयल्टी, ये सारी चीज़ों में डिवाइडेड था। यहाँ पे जो ये पॉलिटिकल यूनिट्स हैं इनकी कोई कॉमन आइडेंटिटी या कल्चर नहीं था, सबकी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हुआ करती थी, अलग अलग एथनिक ग्रुप्स के लोग रहा करते थे, ठीक है। तो इनके बीच में कोई आपस में कोई कॉमन कॉन्टैक्ट नहीं था, मगर एक चीज़ इनमें कॉमन थी कि ये सब अपने जो एम्परर थे, एम्परर होता था, सम्राट होता था, उसको क्या करते थे, रेस्पेक्ट करते थे। तो ये थोड़ी इसका इंट्रोडक्शन है। अब देखते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ पर एक अलग से क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का, और आया भी था कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म के राइज होने के क्या क्या कारण हैं। तो ये 6 कारण हैं मेनली, ठीक है। पहला है द इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, दूसरा है लिबरल नेशनलिज्म, तीसरा है इंग्लैंड एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फोर्थ है न्यू ट्रेडिशंस आफ्टर 1815, रिवॉल्यूशनरीज और कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड फोक टेल्स, ठीक है। तो पहला कारण देखते हैं इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। अब आपको पता है कि इंग्लैंड में एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आती है, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या होता है, वहाँ पर एक नई क्लास इमर्ज होकर आती है जिसको हम बोलते हैं मिडिल क्लास, ठीक है। तो पहले की बात करें तो पहले क्या हुआ करता था, लैंडलॉर्ड अरिस्टोक्रेटिक सेक्शन वाज द मोस्ट डोमिनेंट पार्ट ऑफ सोसाइटी, मतलब लैंडलॉर्ड और अरिस्टोक्रेटिक सेक्शन कौन सा हो गया, जो ये रूल करते थे राजा महाराजाओं के, ये तो राजा महाराजा होते थे और उनके दरबार में जो अमीर अमीर लोग हुआ करते थे, जितने भी पावरफुल लोग हुआ करते थे उनको बोलते थे अरिस्टोक्रेटिक सेक्शन। तो ये क्या करते, ये थे सोसाइटी का डोमिनेंट पार्ट, हालांकि इनकी संख्या कम थी मगर सोसाइटी पे कंट्रोल किसका हुआ करता था, इन्हीं का हुआ करता था, अरिस्टोक्रेटिक सेक्शन का और लैंडलॉर्ड्स का। देवर लेस इन नंबर पर मोर पावरफुल, इनकी संख्या तो कम थी मगर पावरफुल ज़्यादा थे, क्योंकि इनके पास पावर्स बहुत ज़्यादा थी। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो यूरोप की थी वो कैसी थी, पीसेंट्स, टीनेंट्स, स्मॉल पीजेंट्स या एग्रीकल्चर लेबर, ज़्यादातर जो पीसेंट मतलब जो पॉपुलेशन है वहाँ की वो कैसी होती थी, पीजेंट्स मतलब किसानों की होती थी, मजदूरों की होती थी, छोटे छोटे स्मॉल पीजेंट्स की होती थी, एग्रीकल्चर में काम करने वाले लोगों की होती थी, ये ज़्यादातर पॉपुलेशन हुआ करती थी कहाँ की, यूरोप की, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या होता है, कई सारे टाउन्स इमर्ज होकर आते हैं। जब बताया आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी तो आपको पता है जगह जगह पर इंडस्ट्री सेटअप होने लगी, जब इंडस्ट्री सेटअप होने लगी तो वहाँ लोग काम करने गए, और काम करने गए तो धीरे धीरे वही वहाँ पर सेटअप हो गए। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान क्या हुआ था, अर्बनाइजेशन, जो आपने पढ़ा हुआ अर्बनाइजेशन का एक प्रोसेस होता है जिसमें लोग रूरल एरिया से सिटी के एरिया की तरफ या इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करने लग जाते हैं। तो लोग बाग क्या करने लगे, अपने रूरल एरियाज को छोड़ के, ट्रेडिशनल वर्क को छोड़ के, वो इंडस्ट्रीज की तरफ मूव करने लग जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, और वही एक नई क्लास बन जाती है। वही कौन सी नई क्लास बन जाती है, मिडिल क्लास का रूप ले लेती है। तो ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन मैनी टाउन्स इमर्ज इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप एंड दिस प्रोसेस लीड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू सोशल क्लास नोन एज मिडिल क्लास पॉपुलेशन, और इसी की वजह से क्या होता है, मिडिल क्लास पॉपुलेशन का इमरजेंस होता है, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान। और मिडिल क्लास में कौन कौन से लोग होते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स हुआ करते थे। और जब अरिस्टोक्रेट्स के राइट ख़त्म कर दिए गए तो फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड इन द मिडिल क्लास एंड लेटर इट वाज स्प्रेड वाइडली।
तो जब एरिस्टोक्रेटिक सेक्शन के जो राइट्स हैं ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो और ज़्यादा डेवलप हो जाती है मिडिल क्लास के अंदर, और वो बहुत ज़्यादा तेज़ गति से फैलने लगती है यूरोप में। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मिडिल क्लास वाले भी नहीं चाहते थे कि भाई दोबारा से इन पर राजा का ज़्यादा कंट्रोल हो, या बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस करने में इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये चाहते थे कि कैसी सोसाइटी हो जहाँ पर इक्वलिटी हो, फ्रीडम हो, और ज़्यादा इंटरफेरेंस ना हो स्टेट का। ये सारी चीज़ें ये डिमांड कर रहे थे। ठीक है, कौन से वाले लोग? मिडिल क्लास वाले लोग। तो इससे क्या होता है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग दोबारा से डेवलप होती है। तो यहाँ एक बार और देख सकते हो मैंने जो मैप में, ये प्रशिया हो गया, रशिया हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया है, ये फ्रांस है, इधर क्या है, इधर होल्स्टीन एंड डेनमार्क, ये डेनमार्क वाला एरिया है, सॉरी, ये कौन सा एरिया है, डेनमार्क वाला एरिया है, होल्स्टीन एंड सेल्सविक। तो ये है, हम बात कर रहे हैं 1815 की। 1815 में आपको पता है वियना कांग्रेस हुई थी, ध्यान रखना 1815 में वियना कांग्रेस हुई थी, जिसमें जो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, नेपोलियन को हराने के बाद होती है, ध्यान रखना 1815 में नेपोलियन हार जाता है बैटल ऑफ वाटरलू में। ओके, तो लिबरल नेशनलिज्म दूसरा कारण क्या है यूरोप में नेशनलिज्म होने का, लिबरल नेशनलिज्म। लिबरलिज्म का जनरली मतलब होता है फ्रीडम एंड इक्वलिटी। लिबरलिज्म किससे एसोसिएटेड होती है? एक तो फ्रीडम से। लिबरल आदमी आपने सुना है ना, दो प्रकार के लोग होते हैं, लिबरल होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं। लिबरल जो ओपन सोच वाले होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल जो ओल्ड थिंकिंग वाले लोग होते हैं। तो लिबरलिज्म का मतलब है एक तो आज़ादी और एक इक्वलिटी, इन दोनों चीज़ों से एसोसिएटेड होती है लिबरलिज्म। ठीक है, इन सोसाइटी लिबरलिज्म इंश्योर्स फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम फॉर ऑल, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। सोसाइटी में लिबरलिज्म का मतलब है कि पर्सनल फ्रीडम, एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो, कुछ भी कहने की आज़ादी, कुछ भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी, और इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून की नज़र में सभी कैसे हैं, समाज हैं। तो ये है लिबरलिज्म का मतलब किसी सोसाइटी में। इकोनॉमिक सेक्टर में अगर लिबरलिज्म की बात करें, तो इकोनॉमिक सेक्टर में लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड अबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। मतलब मार्केट में लिबरलिज्म का मतलब क्या है कि एक तो फ्रीडम हो मार्केट को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की आज़ादी होनी चाहिए, एज वेल एज जितने भी रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, अगर मान लो गुड्स यहाँ से यहाँ जा रही हैं, गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो इसके बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए। पहले बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन हुआ करती थी, तो इकोनॉमिक सेक्टर में लिबरलिज्म इंश्योर करती है कि मूवमेंट हो जो गुड्स का वो फ्री हो, बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है कि जर्मनी में, जर्मनी वाली को फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, जर्मनी क्या हुआ करता था, 39 स्टेट्स का को फेडरेशन हुआ करता था, और हर स्टेट की अपनी खुद की एक करेंसी हुआ करती थी, और यूनिट्स ऑफ वेट एंड मेजरमेंट अलग अलग हुआ करती थी, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग थी। ठीक है, कन्फ्यूजिंग थी, तो इससे प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर कोई ट्रेडर कोई अपना सामान बेचने जाता है, अगर मान लो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, अगर कोई ट्रेडर अपना सामान बेचता है हमबर्ग से नरेमबर्ग जाता है, देन ही विल हैव टू पे 11 टाइम्स कस्टम ड्यूटीज। तो उसको 11 गुना कस्टम ड्यूटी, या 11 बार क्या देनी पड़ती थी, कस्टम ड्यूटी। तो इससे क्या हो जाता था, जो गुड्स थे उसकी कॉस्ट क्या हो जाती थी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, और ये ट्रेड में एक प्रकार की रेस्ट्रिक्शन थी, एक प्रकार की प्रॉब्लम थी। तो इसी को काउंटर करने के लिए प्रशिया मैंने मैप में दिखाया था, 1834 में एक नया इकोनॉमिक सिस्टम लाता है जिसको हम बोलते हैं जॉलबेरिन। एक कस्टम यूनियन था, जॉलबेरिन का पर्पज था कि जो ट्रेड में जितनी भी रेस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, जितनी भी परेशानी आ रही हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाना और ट्रेड का जो फ्री ट्रेड को इंश्योर करना। ठीक है, तो जॉलबेरिन वाज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ यूनियन, और जॉलबेरिन में क्या किया जाता है, इट अबोलिश ऑल टैरिफ बैरियर्स। ये क्या करता है, सारे जो टैरिफ बैरियर्स हुआ करते थे, जितने भी मतलब टैक्स लगाए करते थे, या जितने भी टैक्स लगते थे, कस्टम ड्यूटी लगती थी, उन सबको क्या कर दिया जाता है, अबोलिश कर दिया जाता है, और पहले जो करेंसी की संख्या 30 हुआ करती थी, 30 प्रकार की करेंसी, वो भी घटा के क्या कर दी जाती हैं, दो करेंसी में रिड्यूस कर दी जाती हैं। और इसके अलावा वो क्या डेवलप करते हैं, रेलवे का नेटवर्क भी डेवलप होता है, ताकि मूवमेंट्स और जो गुड्स हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रैपिड मूवमेंट हो सके गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, तो 1834 में बनता है जॉलबेरिन, ध्यान रखना 1834 में जॉलबेरिन बनता है। जॉलबेरिन एक कस्टम यूनियन है, और जर्मन स्टेट्स 39 जो कस्टम स्टेट थे उनके बीच में, जर्मनी 39 जो स्टेट हुआ करते थे जर्मनी के, उनके बीच में एक कस्टम यूनियन है। हालांकि जर्मनी के ज़्यादातर स्टेट्स इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और प्रशिया इसकी लीडरशिप कर रहा था, किसकी, जॉलबेरिन की। ठीक है, तो द स्टेट ऑफ प्रशिया
लीड द इकोनॉमिक यूनियन कॉल्ड जोलवेरिन फ्री ट्रेड बिटवीन जर्मन स्टेट्स। इसका पर्पज क्या था, जर्मन स्टेट्स के बीच में फ्री ट्रेड को इंश्योर कर सकें। तीसरा है इंस्पिरेशन फ्रॉम इंग्लैंड एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये रीजन है किसका, नेशनलिज्म, यूरोप में नेशनलिज्म का ये तीसरा रीजन है। तो यहाँ पर इंस्पिरेशन लेते हैं यूरोप के लोग, इंस्पिरेशन लेते हैं एक तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेते हैं और दूसरा लेते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से। तो ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुई थी 1688 में और फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच में हुई थी 1789 में। और दीज बोथ रिवोल्यूशंस इंस्पायर्ड यूरोपियन कंट्रीज एंड गेव ए न्यू थॉट टू द पीपल दैट एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ स्टेट शुड नॉट बी प्रेजेंट इन सुपर ह्यूमन अथॉरिटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड। देखो ये वाली जो रिवोल्यूशन है ग्लोरियस रिवोल्यूशन, इसने एक नया आइडिया दिया कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की पावर है वो किसी सुपर ह्यूमन अथॉरिटी के पास नहीं होनी चाहिए। मतलब मैंने बताया था इसमें ग्लोरियस रिवोल्यूशन में इसमें क्या किया गया था, जो किंग्स पहले क्या करता था, गॉड के नाम पर कहते थे कि भाई गॉड के नाम पर हम रूल कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या कर दी जाती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं। और जो मोनार्क होता था उसकी पावर्स को क्या कर दिया जाता है, लिमिट कर दिया जाता है, कब, 1688 में। और दूसरी रिवॉल्यूशन कौन सी थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से तीन चीज़ निकल के आती हैं, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये तीन आइडिया निकल के आते हैं और ये इंश्योर करती है फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल शुड बी प्रोटेक्टेड। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्या आइडिया आया कि प्रत्येक व्यक्ति की फ्रीडम है वो प्रोटेक्ट होनी चाहिए। और दिस डेवलप द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म अमंग यूरोपियंस एंड मोनार्की रूल एंडेड। इनकी वजह से क्या होता है, नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है यूरोप के कंट्रीज में और मोनार्की रूल था वो क्या होता है, ख़त्म होने लगता है। न्यू ट्रेडिशंस आफ्टर 1815, ये फोर्थ कॉज है किसका, नेशनलिज्म इन यूरोप का। तो 1815 में वियना कांग्रेस होती है, मैंने बताया था आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर लाइक ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया मीट इन वियना। वियना कहाँ पर है, वियना एक कैपिटल है किसकी, ऑस्ट्रिया की, एंड मेड एग्रीमेंट रिगार्डिंग यूरोप। दे ट्राई टू कीप यूरोप अवे फ्रॉम नेशनलिज्म, लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी एंड रिस्टोर्ड ट्रेडिशनल सिस्टम। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 1850 के बाद क्या न्यू ट्रेडिशंस होती हैं, कि 1815 में ये हरा देते हैं नेपोलियन को और जो जीतने वाले कंट्री थे कौन कौन, ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये मिलते हैं ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में एक जगह वियना, वहाँ पर मिलते हैं और वहाँ पर ये क्या डिसाइड करते हैं कि यूरोप को हम अलग रखेंगे किससे, नेशनलिज्म से, लिबरलिज्म से और डेमोक्रेसी से, क्योंकि ये सारी चीज़ें खतराएं किसके लिए, इन सभी कंट्रीज के लिए, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रूल हुआ करता था, मोनार्की। तो जनता क्या चाह रही थी, लिबरलिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, तो ये सारी चीज़ें इनके लिए खतरा है क्योंकि मोनार्की वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, ये दोबारा से जो पहला मोनार्की वाला सिस्टम था, ट्रेडिशनल सिस्टम था, वो दोबारा से मोनार्की वाला सिस्टम रिस्टोर कर देते हैं, कहाँ पर, सभी जगहों पर, ठीक है, क्योंकि नेपोलियन तो हार चुका था। अब फिफ्थ पॉइंट है रिवोल्यूशनरीज, फिफ्थ कॉज है। तो रिवोल्यूशनरीज का मतलब क्या है कि आफ्टर वियना कांग्रेस मैनी लिबरल नेशनलिस्ट वेंट अंडरग्राउंड ड्यू टू फियर ऑफ रिप्रेशन। मतलब आफ्टर वियना कांग्रेस होने के बाद जो पहले कई सारे लिबरल नेशनलिस्ट हुआ करते थे, जो मतलब नेशनलिज्म, जो मतलब क्या कर रहे थे, डेमोक्रेसी की डिमांड कर रहे थे, मोनार्की को ख़त्म करने की डिमांड कर रहे थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम की मांग कर रहे थे, वो सारे के सारे अंडरग्राउंड हो जाते हैं डर की वजह से। क्यों, क्योंकि सभी जगह पर क्या दोबारा से क्या इस्टेब्लिश हो चुका था, मोनार्की वाला सिस्टम इस्टेब्लिश हो चुका था आफ्टर वियना कांग्रेस। तो जो भी लोग, ऑल दोज हु अपोज्ड मोनार्की, मोनार्की का विरोध कर रहे थे एंड मोनार्की से संबंधित जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, किंग, इन सभी चीज़ों का विरोध कर रहे थे और फ्रीडम और लिबर्टी को डिमांड कर रहे थे, उन सभी लोगों को कैसा ट्रीट किया गया, रिवोल्यूशनरीज। मतलब जो मोनार्की, जो किंग हुआ करते थे या किंग वाले जितने भी स्टेट थे, ऑस्ट्रिया, प्रशिया और आपके रशिया, ब्रिटेन, ये सभी लोग, इन सभी लोगों को, ये सभी लोग जो किंग वाले या जो किंग वाले राजा या किंग थे, ये जितने भी किंग्स हैं या जितने भी स्टेट हैं, जैसे प्रशिया, ऑस्ट्रिया, ये सभी लोग, इनको क्या ट्रीट कर रहे थे, जो लोग डिमांड कर रहे थे लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रीडम या मोनार्की को ख़त्म करना चाह रहे थे, इन सभी लोगों को इन्होंने बोल दिया कि भैया ये तो रिवोल्यूशनरीज हैं, मतलब रिवोल्यूशन कर रहे हैं। तो उनको ऐसा लग रहा था, दे बिलीव डैट फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो जो लोग मतलब किसकी डिमांड कर रहे थे, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, वो ऐसा मानते थे कि भाई अगर नेशन स्टेट बनाना है, अगर कोई कंट्री बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्ट्रगल करें इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। तो जो लोग
लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों की बात कर रहे थे और मोनार्की का अपोज कर रहे थे, वही क्या कहलाते हैं? रिवॉल्यूशनरीज कहलाते हैं। लास्ट पार्ट है कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड फोक टेल्स। तो देखो, इसका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, कल्चर, आर्ट, फोक, ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है क्या डेवलप करने में, आइडिया ऑफ ए नेशन अमंग सिटीजन्स। ठीक है, अगर किसी मतलब एरिया का कल्चर एक जैसा है और वहाँ का फोक आर्ट एक जैसी है, ठीक है, फोक मतलब लोक संगीत, ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, या फिर किसी एरिया की लैंग्वेज एक जैसी है, तो इन सारी चीज़ों से भी क्या होती है, एक नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप होती है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल फिर दिखा रखा है कि रशिया ने क्या कर लेता है, पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लेता है। पोलैंड को ऑक्यूपाई करने का मतलब है पोलैंड पर कब्जा कर लेता है कौन? रशिया। और वहाँ पर ज़बरदस्ती कॉलेजों में, स्कूलों में रशियन लैंग्वेज को यूज करने के लिए फोर्स करते हैं कौन? रशिया वाले। किसकी जगह पर? पोलिश लैंग्वेज की जगह पर। रशिया पोलैंड को कंट्रोल कर लेता है और पोलैंड में ज़बरदस्ती लगवा देते हैं, रशियन लैंग्वेज को यूज करने के लिए बोल देते हैं। किसकी जगह पर? पोलिश की जगह पर। सीधी सीधी बात है, अगर आपके एरिया में कोई दूसरी लैंग्वेज इम्पोज कराने की कोशिश करेगा तो आपको क्या आएगा? गुस्सा आएगा। तो 1831 में एक आर्म स्ट्रगल होती है रशिया में, आर्म स्ट्रगल होती है, कौन करता है? पोलैंड वाले, मगर रशिया इसको क्या कर देता है? दबा देता है, क्रश कर देता है। फिर भी वहाँ के जो पोलैंड के प्रीस्ट हुआ करते थे वो पोलिश लैंग्वेज को यूज करते रहे चर्च एक्टिविटीज़ में और जितनी भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस देनी होती थी उन सभी में। और यहाँ पर पोलैंड में जो पोलिश लैंग्वेज है ये एक सिंबल बन जाती है स्ट्रगल का, किसके खिलाफ? रशिया के। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नेशनलिज्म डेवलप हुई है वो किसकी वजह से डेवलप हुई है? एक लैंग्वेज की वजह से, कि किसी दूसरे देश में आप मतलब दूसरी भाषा को इम्पोज नहीं कर सकते, तो ये इसी के लिए स्ट्रगल चलता रहता है। और 1918 के समथिंग फिर पोलैंड क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हैं 6 रीजन किसके? राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, यहाँ पर बस इन पर ध्यान देना है आपको, कौन कौन से हैं? इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास, लिबरल नेशनलिज्म, इंग्लैंड एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन, न्यू ट्रेडिशंस आफ्टर 1815, रिवॉल्यूशनरीज एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेज एंड फोक टेल्स। ठीक है, सो एक बार और देखना दोनों लेक्चर्स को, एक दो बार में आपका क्लियर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और आपके जो भी सजेशंस हों आप अपने सजेशंस दे सकते हैं सो दैट फ्यूचर में हम चीज़ों को, किसी चीज़ को इम्प्रूव कर सकें। So thank you and God bless you all.